हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी को लेकर के है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये MySQL का एक डेटाबेस हमारे पास पड़ा हुआ है और इस डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट टी नाम से जो है डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, और स्टूडेंट डी नाम से भी डेटाबेस बना हुआ है। तो हमने स्टूडेंट डी को यूज किया, यहाँ पे देखिए यूज स्टूडेंट डी लिखा है। और जब इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर टेबल्स देखनी होंगी, तो यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे चलाएंगे तो इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो सारी नजर आएंगी। तो यहाँ पर हमने यूज किया है, देखिए टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट बी नाम की टेबल है, ठीक है, और इसी को सेलेक्ट करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स है। अब ये दिख रहा होगा आपको रिकॉर्ड, तो हमें क्या करना है, इस जो आज का ये लेक्चर है वो इसी बात को लेकर के है कि हम लाइक ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे इसमें, लाइक, ठीक है, लाइक एक ऑपरेटर होता है, इसके पहले भी मैंने बताया है लाइक के बारे में, तो लाइक ऑपरेटर यहाँ पे कैसे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। एक अलग से हम क्वेरी लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर इसी क्वेरी के अंदर नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लाइक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट कमांड, और कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट बी है शायद, तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट बी है, तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट बी करेंगे, क्या करेंगे, स्टूडेंट बी। तो जैसे लिखा गया स्टूडेंट बी वैसे ही हमें स्टूडेंट बी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट बी, क्योंकि टेबल का नाम हमारे स्टूडेंट बी ही है तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट बी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, क्या कंडीशन देंगे, कंडीशन में दे देता हूं वेयर, यहाँ पे देखिए लिखा वेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कोड है और स्टूडेंट का नेम है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक नेम यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि लाइक ऑपरेटर को यहाँ यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नेम लाइक एल आई के ई लाइक लिखा, और यहाँ पे क्या करता हूं, ए वाले जो नेम है वही हमें डिस्प्ले हो, ए, ठीक है, तो यहाँ ए लिख दिया है हमने ए लिख दिया है इस तरीके से, और यहाँ परसेंट लगाएंगे और इसको बंद करेंगे, ठीक है, बंद करके टर्मिनेशन देंगे और टर्मिनेशन देके इसको चलाएंगे, तो इस पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ से चला दीजिए। तो जैसे ही चलाएंगे तो देखिए केवल ए वाले ही नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ए वाले नेम डिस्प्ले ना हो, कुछ और डिस्प्ले हो जो उसके लाइक हो, जैसे यहां पर देख सकते हैं कि जी वाले जो है नेम हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे जी लिख देंगे तो जी वाले नेम डिस्प्ले होने लगेंगे। देखिए यहाँ पे मैं हटाता हूं इसको, ये जी लिख दिया, ठीक है, और जी लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको चलाएंगे सेलेक्ट करके इस तरीके से, यहाँ पे पूरा ही आपको सेलेक्ट करना है ये, और यहाँ से चला देना है। तो जैसे ही चलाएंगे तो देखिए गगन और गुरदीप करके जो नेम है वो केवल डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।